ओ आगे आप तो भाई साहब आज अपने पास है टॉप 5 एंड्रॉइड बॉक्स है, जिसके अंदर है MI 4K एंड्रॉइड बॉक्स, T95 X96 Mate, GT88 और मेरा फेवरेट है A95X। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन पांचों में से तुमको कौन सा खरीदना चाहिए जो तुम्हारी जरूरत को भी यहाँ पे पूरा कर देगा और तुम्हारे बजट में भी आ जाएगा। सही बोला ना मैं? तो यार वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो कोई भी पार्ट तुम स्किप कर दोगे, फिर तुम कन्फ्यूज ही रह जाओगे कि हमको कौन सा खरीदना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना, वो भी एंड तक। अब भाई इन पांचों एंड्रॉइड बॉक्स में ना अपने को कुछ कॉमन फीचर मिल जाते हैं जो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करूँगा तो आप भी बोर हो जाओगे और यार मेरी भी एनर्जी खत्म होगी। तो इन सभी की मदद से आप अपनी LED को पूरी तरीके से एंड्रॉइड में बदल पाओगे और ये सारे बॉक्स 4K सपोर्ट के साथ आते हैं। तो अगर आपको कोई भी मूवी या शो को 4K रेजोल्यूशन में देखना है ना, अगर आपके पास 4K LED हुई तो वो इनके अंदर आप देख पाओगे। एंड्रॉइड की सारी एप्लीकेशन इनके अंदर सपोर्ट करती है, जो भी एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल के अंदर यूज़ करते हो ना, सारी एप्लीकेशन आपको इसके अंदर भी मिल जाएगी। इनफैक्ट इनके अंदर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कि फायर वीडियो, जियो टीवी को भी यूज़ कर पाओगे। और भाई आलसियों के लिए सबसे बढ़िया बात कि इन सभी के अंदर अपने को वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाएगा। और हाँ, इनके अंदर आप बेसिक कनेक्टिविटी कर पाओगे, जैसे कि आप कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, गेमिंग कंट्रोल, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क को कनेक्ट कर पाओगे इन सभी एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर। और कुछ एंड्रॉइड बॉक्स में ज़्यादा कनेक्टिविटी अपने को मिलेगी, वो मैं वीडियो में आपको आगे समझा दूंगा एक एक करके। तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे सबसे सस्ते एंड्रॉइड बॉक्स से, फिर धीरे धीरे अपन रेट बढ़ाएंगे। तो सबसे सस्ता एंड्रॉइड बॉक्स है GT88 और इसकी प्राइस ना भाई सिर्फ 1800 रुपये है और ये इंडिया का सबसे सस्ता एंड्रॉइड बॉक्स है। आपको इस प्राइस में कोई और एंड्रॉइड बॉक्स मिल ही नहीं सकता इंडिया के अंदर, तो कम से कम या तो फिर चाइना जाके लेकर आना पड़ेगा आपको थोक के भाव में। लेकिन भाई ये सस्ता है ना, तो स्पेसिफिकेशन भी अपने को इसके अंदर मीडियम मिलती है, जैसे कि इसके अंदर सिर्फ अपने को 1 GB की रैम, 8 GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी। इसके अलावा मल्टीटास्किंग, प्रोडक्टिविटी वाले वर्क आप इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस प्राइस रेंज में आता है ना, इसके अंदर फ्लैगशिप प्रोसेसर यूज हुआ है, वो है कोर्टेक्स A53। और एक सरप्राइज वाली बात बताऊं, यही सेम प्रोसेसर आपको MI बॉक्स में भी मिलता है। तो जो MI बॉक्स में आपको प्रोसेसर मिल रहा है ना, सेम इसके अंदर मिलेगा, वो अभी सिर्फ 1800 रुपये में। अब भाई ये जो एंड्रॉइड बॉक्स है ना, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए यहाँ पे बना है, जो सिर्फ यहाँ पे कैजुअल वर्क करना चाहते हैं अपने LED TV के अंदर, या फिर कम बजट में अपनी LED को एंड्रॉइड बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ा और क्लियर समझाता हूँ। अब मान के चलो तुम्हारे पास एक नॉर्मल LED है या फिर डब्बा TV है, उसको तुमको यहाँ पे एंड्रॉइड बनाना है, वो भी 2000 के अंदर, तो उस कंडीशन में ये वाला तुम खरीद सकते हो। बट इसके अंदर कैजुअल वर्क ही आप कर पाओगे, ज़्यादा एक्सपेक्ट करना मत, क्योंकि प्राइस भी कम है ना, तो फीचर भी अपने को इसके अंदर कम मिलेंगे। बट आप इसके अंदर OTT एप्लीकेशन, मूवी, शो, इनको सब देख पाओगे। इनफैक्ट लाइव चैनल को भी आप इसके अंदर फ्री में देख पाओगे। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, या भी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसको एक बार देख लेना। उसमें मैंने क्लियर आपको समझाया है कि इसके अंदर अपन सारे कंटेंट को फ्री में कैसे देख सकते हैं। तो कैजुअल यूजिंग अगर आप करना चाहते हो ना एक एंड्रॉइड बॉक्स में, तो यार ये वाला बेस्ट है, आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अब भाई अपना जो सेकंड यहाँ पे एंड्रॉइड बॉक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और मेरा फेवरेट है, और वो है यहाँ पे X96 निकला, वो है अपना T95 एंड्रॉइड बॉक्स। भाई जिस प्राइस में आता है ना, इसके अंदर दुनिया भर की स्पेसिफिकेशन है, इसकी प्राइस ना सिर्फ 3000 रुपये है, और 3000 रुपये के अंदर अपने को 4 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल, कोर्टेक्स A53 जैसा पावरफुल प्रोसेसर, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट इसके अंदर तो आपको कनेक्टिविटी के ज्यादा ऑप्शन भी मिल जाएंगे, और अगर आप प्रोडक्टिविटी करना चाहते हो ना, तो डेफिनेटली इसके अंदर कर पाओगे। अब प्रोडक्टिविटी वाले वर्क होते क्या है, मैं थोड़ा सा ना एक क्लियर आपको समझा देता हूँ। देखो अगर आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हो या फिर वेबसाइट रिलेटेड आपका काम है, तो उसको सिंपली अपन बोलेंगे ब्राउजिंग करना, तो वो इसके अंदर आप कर पाओगे। इनफैक्ट इसके अंदर तो आप ऑफिस से रिलेटेड एप्लीकेशन, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन वर्ल्ड, पावर पॉइंट और भी काफ़ी सारी आती है, यार मैंने बहुत टाइम पहले यूज़ करी थी तो मुझे याद नहीं भाई, लेकिन उस टाइप के एप्लीकेशन को भी आप इसके अंदर यूज़ कर पाओगे। और अगर आप यहाँ पे बच्चे हो या बड़े हो, तो मीटिंग को या फिर ऑनलाइन क्लासेस को भी अटेंड कर पाओगे इस बॉक्स की मदद से। तो कहने का मतलब है कि मोबाइल की फीचर सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे और कनेक्टिविटी भी इसके अंदर प्रॉपर आपको मिलेगी। यार इसके अंदर अपने को 2 वेरिएंट मिलते हैं। अगर आप इसको बिना एयर माउस के खरीदोगे, तो इसकी प्राइस है 3000 रुपये, जिसके अंदर आपको बेसिक सा रिमोट मिलेगा। और अगर आप इसका एयर माउस वाला कॉम्बो खरीदना चाहते हो ना, तो 3500 रुपये इसकी प्राइस है, और एयर माउस वाला जो रिमोट है ना, उसके अंदर ही आपको वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाएगा। और एक बात मैं बता दूं भाई, इसकी जो परफॉर्मेंस और स्पीड है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसका यूजर इंटरफेस बहुत ज़्यादा क्लीन है, इसने भी परफॉर्मेंस अपने को देगा, और इसको यूज़ करते वक्त ना मुझे लैग फ्री एक्सपीरियंस मिला है। तो मेरे हिसाब से तो ये जिस प्राइस में आ रहा है ना, ये वैल्यू फॉर मनी है यार, इसको आप बाय कर सकते हो। अब भाई अपना जो तीसरा नंबर का एंड्रॉइड बॉक्स है ना, उसके लिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट मिले हैं कि आप यहाँ पे X96 को कंपेयर करो T95 के साथ, तो वो भी मैं इसमें करने वाला हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे अपना तीसरा नंबर का एंड्रॉइड बॉक्स है X96 Mate। भाई ये जो एंड्रॉइड बॉक्स है ना, ये अपग्रेड वर्जन है T95 का।
का। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना भाई वो ज्यादा बेटर है T95 के कंपेयर में। इसके अंदर अपने को दो पोर्ट कनेक्टिविटी के एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे कि एक तो इसके अंदर अपने को ऑप्टिकल फाइबर का आउटपुट मिलता है, ये ऑडियो वाला है भाई, और इसके अंदर अपने को IR सेंसर का पोर्ट भी मिलता है अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो। तो अपन कह सकते हैं कि हाँ अपग्रेड वर्जन है ये T95 का, लेकिन यार इसके अंदर जो यूजर इंटरफेस यानी कि UI यूज हुआ है ना वो थोड़ा अननोइन है। एक पुराना यूजर इंटरफेस आपको मिलेगा और वो इतना ज़्यादा स्नैपी और स्मूथ नहीं है जितना कि अपने को T95 के अंदर मिलता है। तो मेरी तो अभी भी फेवरेट चॉइस यहाँ पे T95 ही है, बट अगर आपको यहाँ पे एक अपग्रेड वर्जन चाहिए ना तो आप डेफिनेटली X96 मेट को खरीद सकते हो, क्योंकि इसकी प्राइस यहाँ पे एग्जैक्ट सेम है जो यहाँ पे T95 की है। T95 और X96 की प्राइस यहाँ पे एग्जैक्ट सेम है। इसकी प्राइस भी यहाँ पे 3000 रुपये है विदाउट कॉम्बो, और अगर आप कॉम्बो के साथ खरीदना चाहते हो मतलब एयर माउस के साथ, तो इसकी प्राइस भी यहाँ पे 3500 रुपये है। वैसे इसकी बेस्ट वैल्यू मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इन सभी के बारे में ना मैंने अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू बना रखा है चैनल पे, तो उनको जाके देख लेना अगर आपको थोड़ा ज्यादा समझना हो इन एंड्रॉइड बॉक्स के बारे में। और जब आप चैनल पे जा ही रहो भाई तो सब्सक्राइब भी कर ही देना लगे हाथ, ताकि इस टाइप की वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे। अब इतना तो तुम समझदार हो यार। और हाँ भाई एक बात बताना मैं आपको भूल गया था, इन सभी के अंदर MI बॉक्स को छोड़ के भाई इसके अंदर कनेक्टिविटी का ऑप्शन ना बहुत लिमिटेड है। तो इन चारों के अंदर अपने को AV का आउटपुट भी मिलता है, जिसकी मदद से अपन अपनी जो पुरानी डब्बा टीवी होती है ना CTR TV उनको अपन डायरेक्टली चला सकते हैं। बस 30-40 रुपये की यहाँ पे AV केबल को आप बाय कर लेना, कुछ इस टाइप की वो केबल आती है। अब यार अपन बात करने वाले हैं सबसे महंगे एंड्रॉइड बॉक्स के बारे में, जिसका नाम है A95X। भाई ये जो एंड्रॉइड बॉक्स है ना ये 6000 रुपये का है, लेकिन अगर आप इसको अभी खरीदोगे तो 1000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसकी बेस्ट प्राइस निकल के आएगी यहाँ पे 5000 रुपये। बट आप अगर इसको 5000 रुपये में खरीदते हो ना तो ये 5000 रुपये जैसी आपको फैसिलिटी भी देता है। ये जो एंड्रॉइड बॉक्स है ना ये अब तक का सबसे फ्लैगशिप और फास्ट बॉक्स है यार। इसके अंदर अपने को मिल जाएगा कोल्टेक्स A55 का प्रोसेसर, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इन सब के अंदर अपने को कोल्टेक्स A53 मिलता है, बट ये अकेला एंड्रॉइड बॉक्स है जिसके अंदर अपने को कोल्टेक्स A55 वाला फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाएगा। अब ये वाला जो एंड्रॉइड बॉक्स है ना भाई ये भी स्पेसिफिक लोगों को यहाँ पे टारगेट करता है। अगर आपको एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर गेमिंग करनी है या फिर हैवी लेवल के मल्टीटास्किंग करनी है तो वो सारा आप इसके अंदर कर पाओगे। इसके अंदर अपने को 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी, और इसके अंदर जो अपने को UI मिलता है ना उसकी परफॉर्मेंस एक तरफा है भाई। मतलब किसी भी एप्लीकेशन को जब आप ओपन करोगे ना तो रिस्पांस टाइम आपको नी के बराबर मिलेगा। मुझे पर्सनली यहाँ पे लेग फ्री एक्सपीरियंस मिला है, किसी भी टाइप का लेग इसके अंदर आता ही नहीं है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप किसी भी एप्लीकेशन या गेम को जहां से मिनिमाइज करोगे ना वो वहीं से जाके ओपन होएगा। तो भाई कहने का मतलब साफ साफ ये है कि अगर आपका बजट यहाँ पे 5000 रुपये का है तो इससे बेटर एंड्रॉइड बॉक्स आपको मिल ही नहीं सकता। अब भाई इसके बारे में बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर एक एक में बताता रहा तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है चैनल पे, उसको चाहो तो आप आई बटन में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके देख लेना। तो यार उसके अंदर ना आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि एंड्रॉइड बॉक्स में ऐसी क्या खूबी है कि ये 5000 रुपये का है, और भाई इसके अंदर ना RGB लाइट भी है। तो इस वीडियो को आप देख लेना, मैं सिर्फ कंक्लूजिंग आपको बताऊंगा एंड में, तो उसको एक बार आप समझ लेना। अब अपना बचा है यहाँ पे लोता एंड्रॉइड बॉक्स MI का, भाई रो मत आपको भी लेंगे हम। ये एंड्रॉइड बॉक्स इंडिया का सबसे पॉपुलर एंड्रॉइड बॉक्स है, और ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि कुछ शॉपकीपर तो नॉर्मल LED के पीसेस को लगा के एंड्रॉइड के नाम पे वो LED बेच देते हैं, वो बाद में किसी और दिन आपको बताऊंगा। ये जो एंड्रॉइड बॉक्स है इसके अंदर अपने को HDR10 का सपोर्ट मिल जाएगा, 64-bit का कोल्टेक्स A53 का प्रोसेसर है। इसके अंदर अपने को 2GB की रैम, 8GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है, और इसी वजह से आप इसके अंदर मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी वाले वर्क इतनी अच्छी तरीके से कर नहीं पाओगे। कर तो पाओगे लेकिन इतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे जितनी कि आप T95, और ये तो खैर फ्लैगशिप है इसकी तो बात ही अलग है, इसको क्या कंपेयर करूँ मैं MI के साथ। और भाई ये अकेला एंड्रॉइड बॉक्स है जो कि यहाँ पे सर्टिफाइड गूगल के साथ आता है। अब सर्टिफाइड गूगल में अपने को 3-4 फायदे ज़्यादा मिल जाते हैं, वो कौन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात कि इसके अंदर अपने को बिल्ट इन क्रोमकास्ट मिलेगा, जिससे आप वो एप्लीकेशन को LED में चला पाओगे जो आपके LED में इंस्टॉल ही नहीं है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एक तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एक शॉर्टकट फीचर है, तो ये काफी सारे काम आपके बहुत आसान कर देता है। और सर्टिफाइड एंड्रॉइड के अंदर ना अपने को लेटेस्ट UI मिलता है, जो भी UI अभी मार्केट में चल रहा है ना उसके ऊपर ये अपडेट हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली। और साथ साथ जो सर्टिफाइड वाले एंड्रॉइड बॉक्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ऑप्टोमाइज होते हैं, तो उसके अंदर आपको परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्मूथ मिलती है। रैम कम होने के बाद भी ये बहुत ज्यादा ऑप्टोमाइज होते हैं ना, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर रेगुलर यहाँ पे अपडेट आते हैं, जितने भी सिक्योरिटी पैच होते हैं वो अपडेट होने के बाद यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, तो अपडेट आपको रेगुलर मिलेंगे। और इसके अंदर अपने को सर्टिफाइड ओके गूगल का वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है। तो ये कुछ वो पैरामीटर थे जो कि अपने को एक सर्टिफाइड एंड्रॉइड बॉक्स में मिलते हैं, तो ये वो वाला है भाई। तो आप अगर इसको खरीदना चाहो ना तो अभी खरीद लेना, क्योंकि नॉर्मल इसकी प्राइस 4000 रुपये रहती है, और 4000 रुपये में अपने पास बेटर ऑप्शन है, और 4000 से भी कम है। ऑलराइट भाई, अब मैं आपको बताऊंगा कंक्लूजिंग कि इनमें से आपको यहाँ पे कौन सा खरीदना चाहिए जो आपके सारी जरूरत को पूरा भी कर देगा
और आपके बजट में भी आ जाएगा। तो देखो जो मैं बात बताऊंगा ना उसको अच्छी तरीके से समझना और इस वाले पार्ट को तो स्किप मत करना भाई। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। GT 888 जो एंड्रॉइड बॉक्स है ना भाई, इसको आप बाय कर सकते हो अगर आपका बजट कम है, लेकिन इससे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना मत। ना तो इसके अंदर आप मल्टीटास्किंग कर पाओगे, ना ही हैवी एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओगे। गेमिंग तो भूल जाओ भाई, गेमिंग तो इसके अंदर होगी नहीं। और इसके अलावा इसके अंदर आप प्रोडक्टिविटी वाले वर्क भी बिल्कुल नहीं कर सकते। ये ना बहुत ही कैजुअल यूज़र के लिए बना है जो सिर्फ OTT एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, सोनी लिव, डिस्नी प्लस, हॉटस्टार, MX प्लेयर, इस टाइप के एप्लीकेशन को आप अपने LED में यूज़ करना चाहते हो ना, तो इसको आप बाय कर सकते हो। इसके अंदर अपने को AV का आउटपुट जैक भी मिलता है। तो 1800 रुपये के अकॉर्डिंग ये 1800 वाली ही वैल्यू अपने को देगा। तो ये बहुत ही लिमिटेड कस्टमर के लिए है। पहले तो अपनी ज़रूरत को समझना, और अगर आपकी ज़रूरत है कि हमको तो कम यूज़ करना है एंड्रॉइड बॉक्स को, तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। बात रही यहाँ पे मेरे फेवरेट एंड्रॉइड बॉक्स की, यानी कि T95, और भाई इसको मैं लगभग 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे 1% भी निराश नहीं करा है इस एंड्रॉइड बॉक्स ने। स्पीड, परफॉर्मेंस, मल्टीटास्किंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी, तो ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा। अब बात रही यहाँ पे X96 मेट की ना भाई, तो कंपनी वालों का कहना ही कि अपग्रेड है, लेकिन इसका UI पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा है। अगर आप इसके UI से यहाँ पे सेटिस्फाई हो तो इसको डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी है इसकी, उस मामले में तो यार ये आगे है भाई। तो 19-20 का अंतर मिलता है इन दोनों के अंदर आपको, तो ये आपके ऊपर चॉइस है आप कौन सा इसमें खरीदोगे, क्योंकि इन दोनों की प्राइस एग्जैक्ट सेम है, स्पेसिफिकेशन भी एग्जैक्ट सेम है, बस इसके अंदर कनेक्टिविटी के 2 पोर्ट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं और बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी सी अच्छी है, बट इसका यूजर इंटरफेस ना मुझे इतना अच्छा लगा नहीं है। अब बात रही यहाँ पे MI एंड्रॉइड बॉक्स की, तो ये सर्टिफाइड गूगल के साथ आता है, तो इसके फायदे थोड़े अलग है। तो इसको भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो 3000 रुपये के अंदर। सेल अगर अभी चल रही है, लाइव है अगर सेल, तो इसको खरीद लेना। 4000 रुपये के अंदर तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। ध्यान रखना मल्टीटास्किंग इसके अंदर हो नहीं पाएगी, ना प्रोडक्टिविटी वाले वर्क इसके अंदर हो पाएंगे। कैजुअल यूजर्स करनी है तो हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म अपडेट मिलेंगे। अगर आपको एक ऐसा एंड्रॉइड बॉक्स चाहिए ना जिसको आप 4-5 साल यहाँ पे इस्तेमाल कर सको आराम से, तो इस बॉक्स को आप डेफिनेटली यहाँ पे बाय कर सकते हो। आफ्टर सेल सर्विस MI की हमेशा से अच्छी रही है, और जिस बॉक्स के ऊपर Xiaomi का नाम आ जाता है ना, वो तो अपने आप में प्रीमियम बॉक्स बन जाता है। तो इसको भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो, ये भी रिकमेंडेड है भाई। अब यहाँ पे अपना रजवाड़ो वाला खेल, यानी कि A95 बॉक्स जो कि 5000 रुपये का है, तो ये तो रिकमेंड आपको मैं तभी कर पाऊंगा जब आपका बजट यहाँ पे 5000 रुपये हो। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है ना जिसमें आप हैवी गेमिंग कर पाओ, हैवी प्रोडक्टिविटी वाले वर्क कर पाओ, या फिर अच्छी खासी एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओ, या फिर आप हैवी से हैवी एप्लीकेशन को यूज़ कर पाओ, तो उस कंडीशन में आप इसको खरीद सकते हो। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे गेम सपोर्ट कर जाते हैं, और बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन जो कि 1-1.5 GB की होती है ना, वो भी इसके अंदर काम कर जाती है भाई। ये मैंने पर्सनली यूज़ करके देखा है, तो इसको भी आप बाय कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे हैवी परफॉर्मेंस चाहिए अपने एंड्रॉइड बॉक्स से। तो ये वो 5 बॉक्स थे जो कि पॉपुलर है। मैं तो रिकमेंड करूँगा आपको कि आप या तो T95 खरीदो या फिर GT 888, और अगर आपका बजट अच्छा है तो ये वाला भी आप खरीद सकते हो, और ये वाला तब खरीदना जब इसकी प्राइस 3000 रुपये हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा बॉक्स खरीदते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में एक नए कंपैरिजन के साथ, या फिर एक नए एंड्रॉइड बॉक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।